नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पल्सिव और नो फ्रिल्स वीडियो है, क्योंकि कल शाम एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग खबर सुनी, दिल दहल गया और एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बहुत अच्छी फिल्म में लीड रोल निभाया था छिछोरे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। विश्वास ही नहीं हुआ, मन बैठ सा गया और मैं सोचने लगी, और उस सोचने के दौरान मैंने देखा व्हाट्सएप और सारा सोशल मीडिया बाढ़ सी आ गई मैसेजेस की, कि किस तरह से अपने दोस्तों के साथ रहें, किस तरह से दोस्तों का साथ निभाएं जब वो डिप्रेशन में हैं, जब वो अकेला महसूस कर रहे हैं, जब वो किसी अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबली एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई भी दोस्त, कोई भी परिवार वाला, नो वन इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू अंटिल एंड अनलेस यू हैव कंट्रोल, योर सेल्फ कंट्रोल ओवर योर लाइफ। जब तक आपका खुद का जीवन पर कंट्रोल नहीं है, जब वो कंट्रोल अगर ढीला पड़ने लगता है आपका खुद का, तो बहुत मुश्किल है कोई दूसरा आपको मदद कर पाए। आप वो छोर पकड़े रहेंगे तो लोग मदद के लिए आएंगे, लेकिन आप वो छोर छोड़ देते हैं तो मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन से बचो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहती हूँ, कुछ मंत्र देना चाहती हूँ, जो हम सब अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इस डिप्रेशन से बचने के लिए। डिप्रेशन से बचो, लड़ो मत। डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, उससे दूर रहा जा सकता है, और डिप्रेशन से बचना ही इलाज है। डिप्रेशन में पड़ने के बाद उससे उबरना बहुत मुश्किल काम है, और उतना मुश्किल काम से ज़्यादा अच्छा है हम थोड़ा आसान काम करें और उसमें पड़े ही नहीं। पहला मूल मंत्र या पहला सूत्र है एम्बिशन ट्रैप से बचना। इस वीडियो में आपको बहुत डिस्टर्बेंस लगेगा, बहुत कुछ अलग दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पल्सिव वीडियो है, इसमें कोई कट्स नहीं है, ये वन गो मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से वीडियो बना रही हूँ। एम्बिशन ट्रैप का मतलब है कि जब हम कुछ अचीव करते हैं, जैसे ही हमें पहली बार सफलता प्राप्त हुई, हमें लोगों ने बहुत स्पेशल फील कराया, हमारे आसपास के लोग खुश हो गए, और वो खुश हुए, उन्होंने हमें स्पेशल फील कराया तो हम भी खुश हुए, और फिर हमने नया टारगेट बना लिया अपने लिए, नया एम्बिशन बना लिया, नया एक गोल बना लिया कि अब ये अचीव करना है। वो अचीव किया, फिर से वो साइकिल रिपीट हुई, तो हम इस ट्रैप में फंस गए, हम इस मकड़ जाल में फंस गए कि जब सफल होते हैं तभी खुश हो पाते हैं। ऐसा नहीं है, सफलता से खुशी नहीं मिलती, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर चलते ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन अगर यही मूल मंत्र होता खुश रहने का, सुखी रहने का, तो आज सुशांत सिंह ऐसा नहीं करते, ये हम सब समझ सकते हैं। अगला जो स्टेप है या अगली जो चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है डेस्टिनेशन ऑब्सेशन से बचना। अब डेस्टिनेशन ऑब्सेशन और एम्बिशन ट्रैप थोड़ा बहुत इंटरमिंगल्ड चीज़ें हैं। डेस्टिनेशन ऑब्सेशन का मतलब है आपका इतना ऑब्सेशन है अपने गोल से, आपका इतना ऑब्सेशन है अपने टारगेट से, कि आप जो रास्ते की खूबसूरती है उसको एंजॉय नहीं करते। आप रास्ते में स्ट्रेस्ड रहते हैं पूरे समय, क्योंकि आप गोल अचीव करना चाहते हैं और बर्न आउट हो जाते हैं। तो जब आप गोल अचीव कर भी लेते हैं तो आपकी खुशी उतनी नहीं होती जितनी हो सकती थी अगर आपने रास्ता इंजॉय किया होता, अगर आपने वो जर्नी इंजॉय की होती। और हम सब जानते हैं कि जर्नी में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं हम, रास्ते में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जब मंजिल पे पहुँच गए तो वहाँ तो थोड़े क्षण ही ठहरते हैं, फिर अगली मंजिल की ओर बढ़ना है हमें। तो इस डेस्टिनेशन ट्रैप से बचिए, इस डेस्टिनेशन ऑब्सेशन से बचिए, और हर क्षण हर पल इंजॉय कीजिए उस जर्नी को जब आप रास्ते में जा रहे हैं। उससे दो फायदे हैं, एक तो आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, बर्नड आउट नहीं होंगे, और दूसरा जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे या मंजिल पर नहीं भी पहुंचेंगे तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, और मंजिल पर अगर पहुंच जाएंगे तो आपकी खुशी दुगनी और तिगुनी होगी, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको बहुत मज़ा देगा, जिसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट, जिसको हम कहते हैं जॉय, वो आपको मिलेगा यदि आप रास्ता एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे।
इसी से रिलेटेड एक और बात है, एक और सूत्र है, मंत्र है, जो है 30 seconds मंत्रा। वही बात कि उस डेस्टिनेशन को, उस मोमेंट को, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। जब आप जर्नी में हैं तब आप डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तब आप अगली जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। लिव इन दी मोमेंट, 30 seconds आगे नहीं, 30 seconds पीछे नहीं। क्योंकि जब आप आगे का सोचते हैं तो आप एंग्शियस हो जाते हैं, आपको घबराहट होती है, और जब आप पीछे का सोचते हैं तो आपको दुख होता है कि कहाँ क्या गलत कर दिया। तो लिव इन दी मोमेंट, अभी में रहिए, इस क्षण में रहिए, नॉट 30 seconds अहेड, नाइदर 30 seconds बैक इन दी मोमेंट। और ये तीनों चीज़ें आप तब कर पाएंगे जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, जिनके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है। वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ दोस्त ही हो सकते हैं, वो आपका परिवार हो सकता है, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, वो आपके लवर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो आपका कोई पड़ोसी हो सकता है जो वैसे बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगता है उसके साथ समय बिताना, तो समय बिताइए अपने दोस्तों के साथ। और सभी को जोड़ने वाला एक आखिरी मंत्र है, वो है टेक अ ब्रेक। दौड़ते मत रहिए, भागते मत रहिए, हर मंजिल के बाद में ब्रेक लीजिए, हर डेस्टिनेशन के बाद में ब्रेक लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा थोड़ा अचीव करने के बाद में ब्रेक लेते रहिए। उससे भी दो फायदे हैं, एक फ़ायदा ये कि आप काम डाउन हो जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये कि आप विज़िट कर पाएंगे और रीविज़िट कर पाएंगे अपनी जर्नी को, और समझ पाएंगे कि आप लाइफ से यही चाहते हैं या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको किसी और रास्ते जाना था, आपको किसी दूसरी मंजिल पर पहुंचना था, आपकी मंजिल ये नहीं है। अगर आप ब्रेक लेंगे, थमेंगे, ठहरेंगे और सोचेंगे अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो इन सब चीज़ों पर आप विचार कर पाएंगे और इन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अपने लिए समझ पाएंगे। और एक आखिरी बात यहाँ बोलकर वीडियो ख़त्म करूँगी, वो ये कि जितने भी काम आप कर रहे हैं वो अपने लिए करने की कोशिश कीजिए, अपने काम कीजिए। अपने काम कीजिए का मतलब ये नहीं कि माँ ने कहा है सब्ज़ी लाने के लिए तो सब्ज़ी नहीं लाएंगे, नहीं। गोल्स अपने बनाइए, गोल्स माँ के मत बनाइए कि माँ चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, माँ चाहती थी आप डॉक्टर बने, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भी वो चाहते हैं तो आप डॉक्टर बने। माँ के लिए ना बने, क्योंकि माँ को जो खुशी मिलेगी उससे ज़्यादा खुशी उनको तब मिलेगी जब आप खुशी से कहीं पहुँचेंगे, आप खुश रहेंगे, वो माँ को ज़्यादा खुशी देगा, वो माँ को ज़्यादा सुख देगा, माँ को ज़्यादा आनंद देगा। अपने दोस्तों के प्रेशर में अपने गोल्स मत बनाइए, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में अपने गोल्स मत बनाइए, अपने पार्टनर्स के प्रेशर में अपने गोल्स मत बनाइए। गोल्स वो बनाइए जहाँ आप सच में पहुँचना चाहते हैं, जो आपको खुशी देगा, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये सूत्र अच्छे लगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये किसी के काम आ सके, और शायद कोई कहीं होगा जिसको आज ज़रूरत होगी इस वीडियो की, शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ में। Thank you so much and take care of yourself.